हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको एक अपडेट शेयर करूँगी, जो कि हमारा घर का भी पेंटिंग स्टार्ट हुआ है। तो अभी ईद का हॉलीडे आ रहा था, इसीलिए हम लोग सोचे कि इस टाइम पे ही हम लोग घर का पेंट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था। लिविंग रूम में थोड़ा बहुत हुआ था, पर देखिए बेडरूम में बहुत ज़्यादा ही इसका छाले निकल रहा था, मतलब पेंटिंग्स निकल रहा था। 2 साल हो गया हमें ये घर में रहते हुए। तो ये देखिए, नीचे वाला का पर्सन तो वॉल निकल रहा था, मतलब टूट रहा था, इसलिए सबको अच्छे से वो लोग पुट्टी वाइट सीमेंट लगा के अच्छे से मतलब प्लेन करके देन ये सब पेंटिंग किए। तो ये हो रहा है। और मैं जो पेंटिंग की थी वॉल पे, मतलब डेकोरेशन करने के लिए एक छोटा सा रेड कलर का वॉल, मतलब डाली वगैरह वॉल पेंटिंग करके डेकोरेट की थी, वो सारे को हटा दिए। और इधर बेडरूम का पेंटिंग हो रहा है, तो अच्छे से वो सब वो लोग और जल्दी से करके चले गए थे, मतलब एक दिन में ही हो गया था, 2 रूम का कवर हो गया था। और अभी बहुत अच्छा लग रहा है, फिर बेबी आ जाएगा और उसके बाद ये सब अच्छे से क्लीन हम नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए पहले से ही ये सब को अच्छे से घर को रेडी कर देंगे। देन आसान रहेगा, सब कुछ हाइजीन भी रहेगा, ये सोच के हम लोग ये अभी पेंटिंग स्टार्ट किए हैं। तो अभी तो हमारा पेंटिंग होके 2 दिन हो गया है, तो बहुत ही अच्छे से घर को अभी सेट कर रहे हैं, मतलब एंड में दिखाऊंगी। थोड़ा बहुत सेटिंग भी चेंज किया है, मतलब वो वॉल का डेकोरेशन वगैरह इधर उधर हुआ है और कुछ हद पेंट होके क्लीन हो गया है। तो ऐसा है, और धीरे धीरे ही मैं कुछ हाथ ला के घर को थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। और जिस दिन पेंट हो रहा था ना, उस दिन बाहर इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था ना, मतलब मस्त वेदर था, और हम लोग उस दिन ही पेंटिंग करवाए, तो काम करने लोग वो उनको भी इरिटेशन फील नहीं हुआ, हमें भी वेट करके फील नहीं हुआ इरिटेशन, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो देखिए, ओमान में इतना ज़्यादा बारिश कभी नहीं हुआ था, बहुत रेयर ही होता है, नहीं तो रोज़ धूप धूप गर्मी गर्मी ऐसा ही होता है। और ये देखिए विनका प्लांट, जो मैं सीड लेके आई थी, बस उसमें से एक ही प्लांट ये निकला है, सिर्फ एक ही। तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, और मंदिर को भी अच्छे से मैं सजा दिया, और ये जो लाइट का भी चेंज कर लिया, बस येलो कलर लाइट था, तो ये बस वेरिएंट लाइट वाला एक लीची लाइट लगा दिया है। अभी कुछ मंदिर थोड़ा सा चेंज लग रहा है और अभी सुंदर लग रहा है। देन उसके बाद मैं रूम दिखाती हूँ, थोड़ा बहुत सेट कर दिया है।